वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम एक ऐसी रेसिपी लाए हैं अपनी सी रसोई में जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। उसका नाम है दाल पकवान। चलो स्टार्ट करती हैं। ये देखिए मैंने 1 बाउल दाल पहले ही भुंगो के रख ली है, और ये हल्दी ले ली है और नमक ले ली है। मैंने हल्दी है अदरक की गांठ आती है वैसी वाली ली है, आप पाउडर वाली भी हल्दी ले सकते हैं। तो उसको मैं कुकर में डाल दे रही हूँ बॉईल करने के लिए। देखिए मैंने नमक, ये हल्दी वाला पाउडर भी आप ले सकते हैं, और ये 2 बाउल पानी डाल दिया मैंने, देख सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से हम कुकर बंद कर देंगे और इसको दाल को अच्छे से होने देते हैं। तब तक हमने देखिए सब्ज़ी काट ली है कुछ, ये टमाटर और ये हरी मिर्च और ये लौंग और काली मिर्च पाउडर बना लिए, और धनिया पाउडर, धनिया पत्ते और अदरक। तो देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है कढ़ाई में, और ये जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी और ये हरी मिर्च और टमाटर, इसको अच्छे से हम गला लेते हैं, मतलब अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है, तो मैंने इसमें दाल डाल दी है, टमाटर हो चुके थे, अब हम 3-4 बॉयल ले लेते हैं। देखिए हमारी दाल में 3-4 बॉयल आ चुके हैं, और मैंने धनिया पत्ता डाल दिए हैं, उसको बंद कर दी गैस को। तो अब हम पकवान बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने 1 बाउल मैदा ले लिया है, उसको हम पकवान के लिए डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें मैं मैदा बनती है, पकवान होता है वो मैदा से बनता है। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट डाल दिया है और कसूरी मेथी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, फिर पानी की मदद से हम इसको डो बना लेंगे आटे का, अच्छे से डो बना लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है, देखिए सॉफ्ट है। अब इसको थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, रख देते हैं तक हमारा रिफाइन ऑयल गर्म हो जाएगा। देखिए हमारा डो रेस्ट में हो चुका है। तो अब देखिए हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। एक छोटी सी लोई ले ली, और उसकी पतली सी शीट बनानी है। ये हमारे जो पकवान होते हैं वो ज़्यादा ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं। देखिए पतली शीट बना दी हमने, और इसको हम छेद कर लेंगे। छेद इसलिए कर रहे हैं जैसे कि हमारे फूले ना, वरना बिल्कुल भटूरे जैसे लगेंगे बिल्कुल, और हमें फुलाने नहीं है और बिल्कुल कुरकुरे करने हैं। इसलिए अब हम देखिए तैयार है हमारे, लीजिए प्लेटिंग तैयार है, आगरा की मशहूर डिश दाल पकवान, लीजिए खाइए और ट्राई जरूर करिएगा, और बताइए कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।